वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल। वेट करो, रेडी आ जाएंगे, सब चलेंगे। आ रहे हैं शॉपिंग करने, मंथली ग्रोसरी लेने, और देखते हैं। अब बिग बाजार तो बंद हो गया है, बिग बाजार की जगह कोई नया स्मार्ट बाजार समथिंग कुछ करके आ गया, रिलायंस ने ले लिया है ना। तो बिग बाजार तो बंद हो गया है, और बिग बाजार नहीं, अभी हम डी मार्ट सोच रहे हैं, डी मार्ट चले जाते हैं। नोएडा में पास में एक डी मार्ट का स्टोर है, तो डी मार्ट चले जाएंगे और उसके बाद हम करेंगे शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग के साथ हमें थोड़ा बहुत बर्थडे के लिए भी लेना है। बर्थडे किसका आ रहा है? हाँ, शिवी का बर्थडे आ रहा है, तो शिवी अब हो जाएगी 4 ईयर्स की, और शिवी का बर्थडे आने वाला है। स्कूल भी उसको जाना है, स्कूल के लिए भी उसके लिए कुछ लेनी है चीजें। यहाँ पे छोटा मोटा मतलब छोटा मोटा बच्चे वाली पार्टी होगी, बच्चा पार्टी, वो करने को सोच रही हूँ इस बार। इस बार कुछ खास नहीं, बस बच्चा पार्टी होगी और कुछ नहीं। और ब्लॉग में थोड़ा बहुत तो बनाऊंगी अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। और बस अभी इससे पहले माता रानी वाला वीडियो जाएगा, और उसके बाद फिर ये वीडियो जाएगा, और हम लोग सब लोग जा रहे हैं अभी राशन लेंगे। राशन लेने के बाद जो है हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं, करी डी मार्ट, और उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। और आजकल यह वेदर आज बहुत अच्छा हो रहा है, आज भी सैटरडे और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं बारिश हुई होगी, यूपी में हुई होगी या कहीं पहाड़ों में हुई होगी, दिल्ली में थोड़ा बहुत, नोएडा में असर दिख रहा है उसका। हो सकता है यहाँ पे भी बारिश हो। आपको पीछे बैठना है, वेट करो, डैडी खोल रहे हैं। तो डैडी शिवी पीछे बैठेगी, ओके, तो शिवी पीछे बैठेगी। हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने और आपको लेकर चलते हैं। तो जिन लोगों ने, जो लोग मुझे बहुत याद करते हैं, मैं थोड़ी छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, रील्स बनाती हूँ मतलब की, और ऐसे मजे के लिए ही बना लेती हूँ अपने टाइम पास करने के लिए। जब सुबह मॉर्निंग में रेडी होती ना तो उसी टाइम पे रील बना लेती हूँ, और 2-3 रील बना करके, और उसमें क्या कहते हैं, बाद में मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो अभी राशन लेने जा रहे हैं। राशन के लिए एक मैं आपको, अगर जिनको लगता है कि हर महीने लिस्ट बनानी पड़ती है, वो लोग ऐसा कर सकते हैं मेरी तरह कि एक डायरी में सारे राशन का, घर का जितना सामान है सब लिख लो, और उसकी हर बार फोटो खींच लो जो आपको चाहिए। पहले तो घर पे देख लो कि क्या है, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा है, और उसके बाद आप वो लिस्ट हमेशा हर बार बनाना, राइट रॉन्ग करना, वो सब चीजें की याद नहीं रहता, कभी कभी बहुत सारी चीजें छूट जाती। तो मैंने आप थोड़ा सा फॉलो करना शुरू किया है ऐसा कि डायरी में एक में लिख लिया, हर बार वही फोटो खींच के ले जाती हूँ, जो सामान है मैं यहाँ से देख कर जाती हूँ तो वो याद रहता है, हाँ ये नहीं लेना। या फिर आप उसी अपने व्हाट्सएप पे पोस्ट करके उसके आगे क्रॉस लगा दीजिए कि ये नहीं लेना, बाकी पे टिक टिक टिक, तो वो जहाँ वहां जाके ले सकते हैं। तो हम लोग ग्रॉसरी लेने आ तो गए थे, बट सच में सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और बहुत बिलिंग में सबसे ज़्यादा लाइन में लंबी लाइन लग जाती है। तो अब तो मैं सैटरडे संडे बिल्कुल नहीं आऊँगी, अवॉइड करूँगी। सैटरडे बहुत अच्छी हवा चल रही है, और मैं बस आके पार्क में बैठ गई हूँ, शिवी वहाँ पे देख रहे हैं करांटे वाले सर, उनसे करांटे सीख रही है, और मैं यहाँ बैठ के देख रही हूँ। शिव को मैं पार्क में छोड़ देती हूँ कुछ देर बच्चे के साथ, ताकि वो आराम से खेले, और साथ में मैं उसे देखती रहती हूँ कि वो कहाँ कहीं और तो नहीं जा रही। तो यहाँ पे शिवी अपनी फ्रेंड की साइकिल चला के देख रही है, इस पर थोड़ा सा उसका बैलेंस का और कॉन्फिडेंस कम है। और अब ये है नेक्स्ट डे का, दादी को फोन आया था, शिवी की दादी आ रही हैं, बहुत सारी इंतजाम कर रहे हैं, दादी तो बर्थडे के दिन ही आएंगी, और हमें बर्थडे के स्कूल के लिए शॉपिंग करनी है, केक ऑर्डर करना है, बहुत सारी चीजों के गिफ्ट आ गई है, हमारी छोटी जा रही है, हम मिलते हैं थोड़ी देर में। और शायद हम तो ये आ गए हम सेक्टर 18 नोएडा DLF मॉल जा रहे हैं, और जो नोएडा के हैं उनको पता है सेक्टर 18, तो नोएडा का मेन यही है जहाँ पे आपको सारे मॉल मिल जाएंगे, सारी लोकल शॉपिंग भी, आप 18 की जो सेक्टर 18 मार्केट जो कहते हैं वहाँ पे आप लोकल शॉपिंग भी कर सकते हैं बहुत अच्छी, बट सैटरडे संडे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, और आज संडे ही है, क्राउड बहुत है। और आजकल मैं आप लोगों को वीक में 1-2 वीडियो दे पा रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि कुछ घूमना फिरना होता है, टाइम मिलता है तो उसी में ही हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं DLF मॉल। देखिए सैटरडे को तो हम गए थे ग्रॉसरी के लिए, और फिर वापस रिटर्न होकर आए, तो टाइम नहीं था कि हम शॉपिंग कपड़े वगैरह भी ले पाएँ, और फिर डिनर विनर बनाना था मुझे,
तो नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पे मैक्स वगैरह है, यहाँ से कपड़े वगैरह ले लेंगे। तो DLF आ गए थे बेसिकली, और पहले हमने खाया पिया कुछ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी। सुबह सुबह घर की इतनी सारी सफाई हुई ना बर्थडे के चक्कर में और बहुत थक गई थी, तो फिर हमने कहा चलो बाहर ही डिनर वो लंच कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे शिवी की जो है ना देखिए किस तरीके से डिमांड हुई कि ये मॉल में जो एग्जीबिशन कार वगैरह लगी होती ना तो उसके लिए यहाँ पे, ये तो एडवर्टाइजमेंट के लिए रहते हैं खड़े, और ये मैडम यहाँ पे फ़ोटो तो क्लिक की उस वो भी उदास चेहरे पे, और यहाँ पे एक कार मांग रही कि ये वाली कार चाहिए, अब रेड वाली कार तो डैडी से प्रॉमिस कर लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर गाड़ी से बाहर आ गई, एक्चुअल में क्या हुआ कि आज यहाँ पे मैक्स में हम गए, मैक्स में शिवी का साइज नहीं मिला, मतलब जो ड्रेस हमें पसंद आई वो साइज नहीं था, और बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल में बहुत क्राउड था वहाँ पे, बिलिंग में कम से कम एक घंटे का टाइम, क्योंकि लाइफ स्टाइल में आई थिंक कोई ऑफर चल रहा है और उस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था। और एक तो जगह और देखा हर कैसे आई बाहर में ऐसे आई कि मैंने शिवी जो है शिवी ने खाया क्वालिटी नहीं मिली, तो वो इरीटेट हो रही थी क्योंकि लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा क्राउड था, और उससे बोल रहे थे मुझे सोना है, मैं भी टेम्पो का गाड़ी में लेकर जाओ तो उसको लेकर के मैं आती हूँ, और लाइफ स्टाइल में बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने कहा ठीक है। अब ये क्या है कि मैं पार्किंग जाती तो इन लोगों ने बोला कि आप तुम बाहर आ जाओ, अब गेट नंबर 3 पे मैं आई थी और गेट नंबर 8 पे ही आए थे, वो सारा ग्लासेस करते 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 लेट हो गया, कोई नहीं थोड़ा सा वॉकिंग हो जाएगी खाने के बाद और चलते हैं।